कुपचांची प्रखंड के नेहरू पंचायत में दिनांक 27 जून 2022 को ग्राम पंचायत के नेहरू ग्राम के शिव मंदिर के प्रांगण में समय 10 बजे पूर्वाहन विज्ञापन संख्या 1069 दिनांक 24 जून 2022 के आलोक में DMFT के अंतर्गत द्वितीय वर्ष 2022 से 23 के लिए एनुअल एक्शन प्लान तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त आलोक में मुखिया श्री उमेश कुमार महतो की अध्यक्षता में एक ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम के सभी महिला पुरुषों ने भाग लिया और DMFT के बारे में क्या क्या सुविधा है इसके बारे में जाना और योजना को चढ़ाया ताकि क्षेत्र में विकास हो सके। नमस्कार, अभी मैं नेहरू तोपचांची प्रखंड के नेहरू पंचायत में हूँ और यहाँ के मुखिया उमेश कुमार महतो शपथ ग्रहण लेकर पहला काम आज आम सभा किया है और मैं जानने का प्रयास करता हूं कि आम सभा में क्या क्या फंडिंग चढ़ाया जा रहा है एनुअल। क्या समस्या है आपका? समस्या मेरा यही है जो नेहरू में 15 साल पहले 3 हो गया, मेरा आज तक इंदिरा आवास नहीं मिला है, मेरा घर में खपरा का है, पानी पूरा चू रहा है, पलक इधर उधर कर रहा है, मेरा घर जगह नहीं रहने के लिए। तो मुखिया जी को आप क्या कहना चाहेंगे? मुखिया जी जिताइए है, यही मुखिया जी को आस है मेरा उमेश माथे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप वार्ड क्षेत्र 4 से जीते हैं, तो अपने क्षेत्र के महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक युवा महिला हैं। हम सब कहना तो नहीं चाहते हैं कि नाली रोड जितना सब इसमें सब सहयोग करें। और कुछ? और कुछ सब एकजुट रहेंगे। एकजुट होकर महिलाओं को रोजगार के लिए आप क्या कहेंगे? सिलाई वगैरह जितना आएगा सब करवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। DMFT के तहत क्या क्या योजनाएं हैं? DMFT के तहत आज निम्न योजनाओं को ग्राम पंचायत नेहरू में ली गई ग्राम सभा के माध्यम से, जिसमें से पेयजलापूर्ति था, अमृत सरोवर से संबंधित था, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है, स्वास्थ्य संबंधित है, शिक्षा संबंधी है, महिला एवं बाल संरक्षण के बारे में था, वृद्ध एवं विकलांग कल्याण के संबंधित था, कौशल विकास से संबंधित है और स्वच्छता संबंधी है, आधारभूत संरचना है और सिंचाई संबंधी है और ऊर्जा एवं जल विभाग से संबंधित योजनाएं आज ग्राम पंचायत नेहरू में ग्राम नेहरू के ग्राम सभा में लिया गया। इसके बाद कहाँ और? इसके बाद गोमनपुर ग्राम में नेहरू ग्राम पंचायत का होगा। और कल कहाँ कहाँ है? कल है आपका खुद्दी होगा और आपका फिर मदनपुर है। आपका परिचय? आनंद कुमार चौरसिया, रोजगार सेवक, नेहरू पंचायत, नेहरू ग्राम पंचायत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले स्टार सिटी की तरफ से मुखिया बनने का ढेर सारी शुभकामनाएं। मुखिया बनने के बाद पहली बार आप आम सभा कर रहे हैं जी, क्या क्या योजनाएं हैं? इस योजना में DMFT के तहत सरकारी संस्थान के संरक्षण का, सड़क निर्माण का, पानी के संस्थान, नाली वृक्षारोपण, शौचालय की सुविधाएं जो आए आदेश वो आम सभा के माध्यम से हम जनता तक लाने की एवं बांट के देने की कोशिश कर रहे हैं। आपका क्षेत्र शिक्षा के मामले में बहुत ही कमज़ोर देखा जा रहा है, क्या कहेंगे आप? जी, हमारा क्षेत्र जो है शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं पिछड़ा है। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा संभव हो सके हम लोग शिक्षा के क्षेत्र का बढ़ावा दें और देखा जाए तो सबसे आवश्यक चीज़ शिक्षा ही है। शिक्षा से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। शिक्षा मिलेगा तो शिक्षा से हम लोग हर चीज़ का जानकारी होगा और जानकारी होगा तब हम कुछ ले सकते हैं। कोई भी किसी भी फंड के बारे में जैसे आता है, अभी बहुत हम सुदूर एरिया में खास नेहरू में खास करके जैसे हैं, हम देखते हैं कि लोगों को जानकारी उतना नहीं है। जानकारी नहीं होने का कारण है, मुख्य कारण है कि शिक्षा का अभाव के चलते। शिक्षा यदि आगे आएगा तो जानकारी भी आएगा शिक्षा के माध्यम से, इसलिए शिक्षा को जितना ज़्यादा संभव हो सके हम लोग बढ़ावा देने का कोशिश करेंगे और जहाँ तक कोशिश होगा खुद युवा सब मिल के बच्चों को आगे की रणनीति बताएंगे और कोशिश करेंगे जहाँ तक संभव हो अपना समय दें उनको और उनका भविष्य निर्माण के लिए। आप एक युवा
मुखिया हैं जी, तो युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? युवाओं के लिए हम यही कहना चाहेंगे कि युवा जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उस क्षेत्र में ही ध्यान दें, और ऐसा नहीं कि हम इस क्षेत्र में जाए इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं उस क्षेत्र में अच्छा से ध्यान दें, और खास करके समाज कल्याण को लेकर सोच हमेशा रखें। ऐसा नहीं कि हम स्टूडेंट हैं तो सिर्फ पढ़ाई को सोचें, गाँव समाज को नहीं देखें, या फिर हम मजदूर हैं तो सिर्फ मजदूरी के सोचे, गांव समाज को नहीं सोचे। जिस समय हम शिक्षा ग्रहण करेंगे तो शिक्षा का सोचेंगे, यदि मजदूर हैं तो मजदूर का सोचेंगे, लेकिन बाकी समय हम गांव के बारे में जरूर सोचेंगे। आपका शुभ नाम? उमेश कुमार महतो। पूरा बोलिए। उमेश कुमार महतो, नेहरू पंचायत मुखिया। मुखिया बहुत बहुत धन्यवाद आपका।